Assalamualaikum Nazreen. Welcome to Kahani Pakistani, a brand new episode. Main hu aapki host Aisha Gilani. We're back with another trip to another place in the United States of America. Ab hum kahan leke aaye hain aapko? I'll give you a hint. America ke magharibi kinare par size mein America ki teesri sabse badi aur abadi mein sabse badi America state. Ji haan, hum maujood hain the Golden State yani America riyasat California mein. वो ही कैलिफोर्निया जो वर्ल्ड फेमस हॉलीवुड का घर भी है और कहानी पाकिस्तानी टूर्स का पहला स्टॉप कहाँ है well, क्योंकि आप सब हमें पाकिस्तान में बैठे हुए इतनी लगाव से देख रहे हैं हम आपको यही दिखाना चाहते हैं कि हमें भी आपका एहसास है हम पाकिस्तान के बाहर चाहे कहीं भी सेटल हों हमारे दिलों का एक हिस्सा हमेशा से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ रहता है और उसकी एक मिसाल है यहाँ अर्टिजा नाम के शहर में लिटिल साउथ एशिया का इलाका आइए हमारे सफर का एक नया रुख शुरू करते हैं वैसे तो इस इलाके का ऑफिशियल नाम अर्टिजा इंटरनेशनल एंड कल्चरल शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है लेकिन लोग इसे लिटिल साउथ एशिया के नाम से जानते हैं साउथर्न कैलिफोर्निया में सबसे बड़ी साउथ एशियन आबादी यहाँ रहती है लेकिन इस इलाके की शुरुआत की कहानी दिलचस्प है 1920s और 30s में अर्टिजा एक देही इलाका होता था डच और पुर्तगीज इमिग्रेंट्स ने इसको इलाके में डेयरी फार्मिंग के हवाले से एक अहम मकाम दिलाया वर्ल्ड वॉर टू के बाद यही जमीन कीमती बन गई और डेयरी मैन ने अपनी बिजनेसेस को बेचकर ज्यादातर सेंट्रल कैलिफोर्निया में काम शिफ्ट कर दिया जब 1965 में इमिग्रेशन की लॉज थोड़ी नरम हुई तब साउथ एशियंस ने यहाँ बड़ी तादाद में आना शुरू कर दिया उन दिनों सेलेक्टो स्पाइसेस नामी पहला साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर हॉलीवुड में जब खुला तो यहाँ के रहने वाले साउथ एशियंस ने 1970 में उस स्टोर के मालिक को अमादा किया कि यहाँ शिफ्ट हो जाएं। उन्होंने मान लिया और तब से लेकर आज तक द रेस्ट इज हिस्ट्री फर्स्ट अप टेक अ वाइल्ड गेस एक हिंट दूं, इट्स द वे टू अ गर्ल्स और अ बॉयज हार्ट यानी कि ये रास्ता है किसी भी शख्स के दिल तक यू गेस्ड इट फूड अर्टिजा में ऑथेंटिक पाकिस्तानी खाने और पीने में क्या क्या मिलता है कम ऑन मैं दिखाती हूँ Originally you are from Afghanistan Actually I grew up in Pakistan So does this remind you of home? Yeah, I feel good when I come here. What is your favorite dish? Chicken tikka masala. Can I get a high five? There we go. Thank you. Enjoy. So yahan pe jo itna rush hai, wo mezban ke andar kya cheez hai that keeps drawing so many customers? Mezban jo hai, pardesh mein desh ka ek naksha pesh karte hai. Especially apni community ko serve karte hue हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक अपने मुल्क का जो है वो फ्लेवर पेश करें लोग महसूस करें कि वो अपने प्रदेश में होते हुए अपने मुल्क में बैठे हैं और वहाँ खाना खा रहे हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे को ऑलमोस्ट 22 इयर्स हो गए यहाँ पर अच्छा आई अंडरस्टैंड कि आप हैदराबाद इंडिया से ताल्लुक रखते हैं और आप पाकिस्तानी खाना पेश करते हैं ये सब कैसे हुआ जी मैं मेरी और लियाकत मेरे पार्टनर जो है हमारी 20 साल ऑलमोस्ट दोस्ती है हम एक ही जगह पहले काम करते थे तो पार्टनरशिप भी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक साथ करें इसलिए हम पाकिस्तानी और इंडियन दोनों खाने रखते हैं हैदराबादी स्पेशली तो और पाकिस्तानी खाने अस्सलाम वालेकुम सॉरी कि मैंने आपका मील इंटरप्ट किया आप क्या खा रहे हैं मैं गाजर का हलवा खा रही हूँ और खीर खा रही हूँ मेरा खाना ख़त्म हो गया आप ओरिजिनली कहाँ से ताल्लुक रखती हैं हैदराबाद दखन से और मेज़बान कितने सालों से आ रहे हैं आप ऑलमोस्ट 10 साल से आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट इट्स हैड यू कमिंग हियर फॉर दिस मेनी इयर्स फर्स्ट मेरे ख्याल से बेस्ट कस्टमर सर्विस और इनकी हलीम आप ट्राई करें कभी और निहारी ट्राई करें लजीज बहुत लजीज What's your favorite food? Fries. But I saw you eating something else other than fries. Chicken tikka? Yeah. How is it? Really good. Yeah? Mm-hmm. What's your favorite food here? Chicken tikka. It's so good. Yeah. What's so good about it? It's so good. Like the taste and I like the spice. Artisha mein hote hue,
ये तो जाना जाता है कि एक बहुत बड़ी देसी कम्युनिटी है, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत नॉन देसी भी खा रहे हैं ना, right? मेज़बान is not only for the Pakistani. What is the most appealing thing about Pakistani food? Gosh, असल में मुझे यहाँ की वैरायटी बहुत पसंद है। हकीकत यह है कि अगर आप गोश्त या चिकन खाना चाहें या आप सब्जियां पसंद करते हैं तो इनके पास इन चीजों की एक बड़ी वैरायटी मौजूद है और आपको अपनी पसंद की चीज मिल सकती है। So this is a family affair, correct? Oh, I think that the thing that's exciting about Pakistani food is the goat, like, and the just the meat so good. Like, I feel like Pakistani khanon mein sabse achhi cheez bakre ka gosht hai. Mujhe mutton bahut pasand hai. मुझे अभी तक यहाँ के ज्यादातर खाने खाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने अच्छा मयार कायम किया हुआ है और इसी तरह यहाँ की बिरयानी भी बहुत अच्छी है। मुझे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है। I agree. If there was something you could tell people who haven't yet tried Pakistani food, what would it be? I would say try it. मैं उन्हें ये कहूँगा कि उन्हें यहाँ के खाने ट्राई करने चाहिए और यहाँ खुले जहन के साथ आए। चाहे आपकी पसंद कुछ भी हो, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के खानों में मिर्च मसाले होते हैं, लेकिन यहाँ चावलों की खीर भी मिलती है। Thank you very much. And are you going to be ordering dessert? Because you know you can't have Pakistani food and not have dessert. I like. मुझे इलायची वाले चावलों की खीर पसंद है। ये बहुत मजेदार है। There we go. That's a great commercial. यहाँ पे सबसे मकबूल डिशेस कौन सी हैं? न्यारी, पाया, अलीम। यहाँ हमारे पास हर किस्म की जो है वैरायटी ऑफ मीट है। सबसे जो एक यूनिक चीज़ है कि हम ऑल नेचुरल ग्रोन, यहाँ के लोग ऑर्गेनिक कहते हैं, हम कहते हैं देसी, तो हमारा जो है मीट सारा देसी होते हैं। अच्छा अच्छा, जी जी। तो रेसिपीज कहाँ से आती हैं? रेसिपीज जो हैं वो हमारी खुद भी डेवलप हमने की हुई हैं, जो हमारे शेफ्स हैं तो उन तीन शेफ्स का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 60 इयर्स का बनता है। मेज़बान की क्वालिटी फूड की है कि आप यू फील लाइक यू आर ईटिंग एट होम। मोस्टली जब भी बाहर खाना होता है तो इसी रेस्टोरेंट में। अच्छा। आर्टिशिया के नाम से सिटी है, उसके अंदर लिटिल इंडिया विलेज है और उसके कॉर्नर पे हमने जो है एक छोटा सा पाक मार्केट के नाम से लिटिल पाकिस्तान कह लें बनाए। हमने कोशिश ये की है कि हम पाकिस्तानी पूरी वैरायटी जो है प्रोवाइड करें। असल में हमने रेस्टोरेंट शुरू किया तो उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि यहाँ कोई भी हलाल मीट की दुकान नहीं है, तो हमने उस ज़रूरत को मद्देनज़र रख के तो हलाल मीट मार्केट शुरू की। तो ये जो इलाका आर्टिशिया का है, इसको साउथ एशिया जाना जाता है, इसको कहते हैं, तो आपको ये कम्युनिटी कैसी लगती है? दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जहाँ का कोई बाशिंदा यहाँ ना आता हो। जब लोग विजिट के लिए आते हैं तो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि हमारे बिल्कुल करीब है नॉट बेरी फार्म, यूनिवर्सल स्टूडियो, कि अगर कोई बंदा यहाँ अमेरिका विजिट करके चला जाए, आर्टिशिया ना आए, तो उसको ये लगेगा कि उसका विजिट अधूरा रह गया। फिर कहना चाहिए कि जिन्हें आर्टिशिया नहीं देखे वो जमिया नहीं, और यही है हमारे पाकिस्तानी कल्चर का कमाल। स्पेशली आर्टिशिया में जिसने मेज़बान का खाना नहीं खाया, ये समझे कि उसने विजिट ही नहीं किया। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू। यम, खाने में बहुत मजा आया, रिसर्च में। अब मिलिए इस शहर के मामलों को संभालने वाली सिटी काउंसिल के एक प्रोमिनेंट मेंबर मेयर प्रो टेम अली सजाद ताज से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आने का शुक्रिया। अब हम मौजूद हैं आर्टिशिया के लिटिल साउथ एशिया के नाम से मशहूर इलाके में, और अब हम मिलने जा रहे हैं आर्टिशिया शहर के वाइस मेयर एक पाकिस्तानी अमेरिकन अली सजाद ताज से। मिस्टर ताज, अपने इस रोल और यहाँ की बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में क्या कहते हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा रोल बेसिकली जो है टू सर्व सिटीजन्स ऑफ आर्टिशिया है। काउंटी ऑफ लॉस एंजेलिस जो है उसमें 88 सिटीज़ हैं, और सिटी ऑफ आर्टिशिया जो है वो एक सिटी है आउट ऑफ 88 सिटीज़। As someone with Pakistani roots living and thriving in America, आपका अमेरिका में तजर्बा कैसा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो मुझे इलेक्ट किया जिन्होंने
وہ ہیں پورچوگیز امریکن، لاتینو امریکن، ڈچ امریکن، ایشین امریکن. اور بڑا اچھا ہے کہ کمنگ فرام پاکستانی ڈسینٹ بٹ لیونگ ہیئر ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز ہیں انہوں نے ایک ٹرسٹ شو کیا. تو یہ ایک چیز بہت بڑی ہے، اور اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم ہماری اسٹیٹ آف کیلیفورنیا یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور جو وائس ہے ووٹ کی وہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو میرا تجربہ بہت اچھا رہا، اور میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں ایز این امریکن کہ آپ کہیں سے بھی آئیں اس ملک میں، اگر آپ دکھا سکتے ہیں کہ آپ کام کر سکتے ہیں اور آپ ڈیلیور کریں رزلٹ، تو لوگ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں آن ایشوز وچ ایکچولی بینیفٹ کلیکٹیولی فار دا کمیونٹی اٹسیلف. آپ ایک ریسنٹلی پیس واک میں شامل ہوئے تھے، واٹ واز دس پیس واک؟ ریسنٹلی انفارچونیٹلی دیر واز این انسیڈنٹ جسٹ ان مائی بیک یارڈ آف دا سٹی سین برنارڈینو میں. مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو دا فیملیز اینڈ دا وکٹمز، بٹ آئی آلسو کنڈیم دی پیپل ہو ڈیڈ اٹ اینڈ دیئر آئیڈیالوجی. فرسٹ آف آل جو ایل اے کے میئر ہیں انہوں نے اور میئر سین برنارڈینو نے ایک پیس واک آرگنائز کی تھی، جس میں ہمارے کرسچن بردرز سسٹرز تھے، جس میں جوئش تھے، جس میں سکھس تھے، ہندوز تھے. اٹ واز ٹو ریئلی پروموٹ پیس، ہارمنی، ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹنس. سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں اور اس چیز کو جو ہے ہائی لائٹ کیا جائے کہ ہم ریگارڈلیس آف ویئر وی کم فرام، وی ہیو ون ریلیجن وچ از ہیومینٹی اینڈ وی سرو ہیومینٹی. حال ہی میں کیلیفورنیا سینٹ میں ایک پاکستان امریکن ڈے ریزولوشن پاس ہوا، اور اس کے پیچھے آپ کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ تھا، رائٹ؟ یہ ایک کیلیفورنیا اسٹیٹ سینٹ کا ریزولوشن ہے. کمنگ فرام پاکستانی امریکن ڈسینٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریکگنیشن ملنا چاہیے جس طرح باقی کمیونٹیز کو ملا، اور وہ ریزولوشن جو ہے اب اس وقت آن ریکڈ ہے، اور پاکستان امریکن ڈے جو ہے ایک منایا جاتا ہے. ایک لینڈ مارک ایونٹ تھا، خاص طور پہ پاکستانی امریکنز کے لیے جو کہ اسٹیٹ آف کیلیفورنیا سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں کے رہنے والے پاکستانی یعنی پاکستانی کیلیفورنینز کے یہاں زندگی کے بارے میں کیا خیالات ہیں، ان کے کیا تجربات رہے ہیں یہاں رہتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، کام کرتے ہوئے اور فیملیز پالتے ہوئے، پوچھے ذرا. مجھے ابھی تین کسٹمرز ملے ہیں who are very busy in shopping for whose wedding is it? My brother's wedding. تو آپ کو کیسا لگتا ہے living in California in this area, being a Pakistani, what's life like here? سچی بات یہ ہے کہ میرا یہاں رہنے کا تجربہ بہت اچھا ہے. یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، وہ محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے ہیں. مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں اپنے ملک سے بہت دور ہوں، کیونکہ یہاں کا ہر فرد، چاہے اس کا تعلق بھارت سے ہے یا ایران سے یا پاکستان سے یا دنیا کے کسی بھی ملک سے، وہ سب یہاں ایک خاندان کی طرح مل جل کر رہتے ہیں. مناہل، آپ بتائیے نوجوان کی پوائنٹ آف ویو سے. مجھے اپنے اسکول میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مجھے کبھی کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہوئی دیٹ میں جو ہے پاکستانی ہوں. اٹس جسٹ آل لائک ہم یہاں سب ایک جیسے ہیں. یہاں کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم مسلمان ہو یا تم پاکستانی ہو، آپ جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، وہ آپ کو قبول کرتے ہیں. Originally میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. I have been here for the past 30 years. I live in Huntington Beach, so I live in all over Southern California. یہ آرٹیشیا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو موسٹلی اپنے طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. یہاں آپ کو اپنی زبان، اپنا لباس، اپنے اسٹائل نظر آتا ہے، اس لیے آپ کو کنٹری کی کمی محسوس ہوتی ہے، وہ یہاں کے تھوڑی سی دیر کے لیے دور ہوتی ہے. So you are 5 years old, even though I could swear she was 7, but you're 7 years old. Yeah. What grade are you two in? I'm in second and she's in kindergarten. Yeah? How do you like kindergarten? Because it's so much fun. Why is it so much fun? Because you get to do lots of fun homework. Homework is fun? Yeah. What? Yeah. Are you just saying that because you're on camera, or do you really think it's fun? Yeah, it really is fun. What's your favorite subject in kindergarten? Science and math. So how does it feel going to school in this area? What's it like? Second grade, it's getting really hard. The people in Pakistan are watching you right now, okay?
What would you like to say to them? Well, your religion is super good. Okay, that's a nice message. There are more religions than one religion in Pakistan. Did you know that? It's not just Islam. There are Christians, there are Hindus, there are Jews. It's not just Muslims in Pakistan. I know that. Yeah, you knew that. All right, thank you, girls. Can I get a high five? High five. Can I get a hug? Thank you. Thank you. How do you like fourth grade? It's nice. I have a lot of friends. Yeah? Yeah. Well, how does it feel being a hijabi and going to school in America? Well, it feels good because, like, no one really says anything about it. Like, sometimes they ask me questions about it, but, like, they don't, like, treat me differently or anything. Yeah. What's it like in fourth grade? It's not too hard, but like sometimes it gets a little frustrating. Hard work pays off, trust me. Keep studying, keep working hard. What do you want to do when you grow up? I want to be a doctor, like a pediatrician. We normally just come here after my Sunday school. So at Sunday school you learn Islamic studies? Yeah. Very cool. Assalamu alaikum, and also hello to my family if you are seeing this message. It's me. हम लोग दोनों जो है ऑलमोस्ट रिटायर्ड हैं इस वक्त. आई नो शी वाज अ नर्स, आई वाज एन एग्जीक्यूटिव इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. तो बस टाइम भी गुजर जाता है, कभी फ्रेंड्स मिल जाते हैं, खाना अच्छा मिल जाता है, तो इस वजह से आ जाते हैं यहां पे. लिटरली यू गेट अ टेस्ट ऑफ होम. या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. इंशाल्लाह वापस सक्सेस हो जाए आपको शो में. और वैसे भी जो है हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू सो मच. Artesia में हम यहाँ के पाकिस्तानी सियासतदान और रहने वालों से मिले. अब क्या रहता है? Well, अगर आप कहानी पाकिस्तानी रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता है कि इस शो में सबके लिए कुछ है. नेक्स्ट सेगमेंट मेरे लिए है, मेरा मतलब है सब फैशन लवर्स के लिए है, लेकिन स्पेशली मेरे लिए. ब्रेक लेकर जल्दी से वापस आए, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका. जल्दी जल्दी. शुक्र है आप वापस आ गए. वेलकम बैक. अब चलिए देखते हैं कि यहाँ के रहने वाले कैलिफोर्नियंस पाकिस्तानी फैशन यहाँ के फैशन लवर्स तक कैसे और कहाँ पहुँचा रहे हैं. Angela, you were introduced to the beautiful culture here. How? Tell me about that. How'd you end up here, and how are you feeling right now? Oh, I love it. मुझे ये अच्छा लगता है. नेहा स्कूल के जमाने से मेरी दोस्त है और मुझे इन कपड़ों के रंग बहुत पसंद हैं और मैं यहाँ के खूबसूरत लिबास पहनना चाहती हूँ. मैं बहुत खुश हूँ. So I understand at the family wedding you're going to be. This is your first time wearing shalwar kameez. हाँ, मैं बहुत खुश हूँ. ये बहुत खूबसूरत है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वर्ड ऑन द स्ट्रीट इज दैट मिराज बुटीक एक खास बुटीक है और आई अंडरस्टैंड कि आपकी वालदा समर बशीर का ये एक ब्रेन चाइल्ड था, तो इसके पीछे क्या कहानी थी? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए हमारे स्टोर. एंड इट इज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस. आई वुड से मेरी अम्मी की एक दिस इज अ बेबी फॉर हर द स्टोर द बिजनेस. लेकिन ये इट स्टार्टेड बैक इन 1997 जब मेरी अम्मी ने ये स्टोर यहाँ पे खोला था. उस वक्त पाकिस्तानी फर्स्ट बुटीक था यहाँ पे. उस वक्त किसी को पता ही नहीं था कि फैशन पाकिस्तानी फैशन क्या है. तो साउथ एशियंस के बाहर भी आई अंडरस्टैंड कि आप पाकिस्तानी फैशन को एक मेन स्ट्रीम लेवल पर पेश करें. आप पाकिस्तान से मकबूल डिज़ाइनर्स और आर्टिस्ट यहाँ पर लेकर आते हैं और उनके साथ फैशन शोज और रिलेटेड इवेंट्स करते हैं ना? जी जी, हमने काफ़ी इस तरह के शोज किए हैं. एंड यू नो इट्स been a pleasure to introduce that the Pakistan scene and the talented designers there here in America. So ye ek hamari I think Pakistan ki bahut badi achievement hai jo fashion industry itni aage chali gayi, you know. And meri ammi khud itni achhi designer hai, mashallah. My mom grew up in a very fashionable home. तो ग्रोइंग अप उनको बहुत पैशन था डिज़ाइनिंग का. तो उन्होंने शुरू किया था अपने लिए, शी यूज़ टू डिज़ाइन क्लोथ्स फॉर हरसेल्फ. वो एक हॉबी, एक पैशन, एक करियर बन गई. आपने और आपकी वालदा ने पाकिस्तानी फैशन को स्प्रेड करने में इतनी कामयाबी देखी है कि यहाँ पे हॉलीवुड की मकबूल सेलिब्रिटीज़ भी आपके फैशन पहन रही हैं, राइट? टेल मी अबाउट दैट. एब्सोल्युटली.
We have had celebrated personalities throughout Hollywood. We've Madonna, Jennifer Aniston, Halle Berry, Gwen Stefani. Also, Miraj has been worn on the Academy Awards, the Golden Globe Awards, and the Oscars. Wow, that is amazing. So, a cultural ambassador hone ke saath, aapki walida aur bhi kuch bahut important kaam kar rahi hai. I understand she believes in women empowerment. What is sort of her passion? Wo kis cheez se inspire hui ki ye kare? असल में जब मम्मा ने काम शुरू किया था तो शुरू से ख्वाब था कि मैं जो भी काम करूं एंड स्पेशली अगर मैं फैशन में काम करूं तो मेरी कम्युनिटी को इससे कोई फ़ायदा पहुंचे. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू हर एंड सो दिस इज़ रियली अ बिग पार्ट ऑफ द मिराज कल्चर. तो इवन इन पाकिस्तान वी डू अ लॉट ऑफ फेयर ट्रेड. आई मीन वी डू अ लॉट ऑफ मम्मा इज़ वेरी बिग ऑन सपोर्टिंग द कारीगर्स. तो व्हेन शी स्टार्टेड दिस बिजनेस she really wanted to do something to increase the employment in Pakistan and to help these karigars with fair wages. We give them fair wages, a good working environment and all those things. Aur isliye wo yahan pe nahi hai kyunki wo phir se Pakistan wapas gaye hue, probably bringing back more fashion. Bilkul bilkul, actually you know agar wo yahan hoti to bahut khush hoti aap se milke, lekin wo Pakistan mein wohi kafi unki traveling chalti hai, wo wahi hai is waqt designing kar rahi hongi, kaam kar rahi hongi. Like, and who better than her right-hand man, right? How involved are you in the family business? I actually am the head of marketing and business development. I grew up in the business, so jab se main choti thi, main dekhti thi ki mamma kis tarah kapde design kar rahi hain, karigaron ke saath kis tarah kaam karti thi. To shuru se main Pakistan bhi bahut jaati thi unke saath summer vacations pe, to I really saw her working. In the detail of designing and work. आपको कैसा लगता है इस कम्युनिटी में काम करना रहना? What is it like for the average Pakistani American? Being a Pakistani in America, it's a very unique experience. क्योंकि एक तो हमारा अपना हेरिटेज है, अपना कल्चर है, जो हम लूज नहीं करना चाहते. तो और लेकिन हम Americans भी हैं. तो हमारा यहाँ पे जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा रहना, हमारे फ्रेंड्स, वो भी सब हम अमेरिकन्स के साथ ही हम मिलजुल के रहते हैं. लेकिन फैशन जो है, जो हमारा पाकिस्तानी लिबास जो हम कहते हैं, उससे हम अपने कल्चर से हम कनेक्टेड रहते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक पार्ट ऑफ आर कल्चर एंड आर लाइफस्टाइल हियर इन अमेरिका, द क्लोज हेल्प अस टू आल्सो स्टे कनेक्टेड टू आवर रूट्स. And I think it's also what kind of sucks other people in, because our fashions are kapde to itne khoobsurat hain, so colorful, and this boutique is full of beautiful designs. Lekin your boutique just jahan pe hai, jaise decorate hui hui hai, that's quite a sight too. I mean, I think that draws people in. Shuru se mama ka, you know, presentation unke liye bahut zyada important tha, ki kis tarah aap apna product ko present karte ho, uski ambiance. So with that in mind, she really wanted to give your customers a really amazing shopping experience. She's done an amazing job. More power to her, more power to you. Thank you so much for your time. Thank you. And that's a wrap. Hamesha ke liye nahi, sirf aaj ke liye. Lekin fikar mat kariye kyunki California mein mere paas aapko dikhane aur batane ke liye abhi bahut kuch baki hai. Ye safar hum jari rakhte hain aane wale episodes mein. Lekin in the meantime, you know what to do. Hamare is Facebook page ko like kariyega and stay in touch. Main hu aapki host Aisha Gilani, signing off for Kahani Pakistani. Khuda hafiz.